Hello guys, welcome in dear Rajbhar Education channel. I explain rules and examples of future indefinite tense in Hindi to English translation. Future indefinite tense की पहचान. हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों में गा, गी, गे से पहले रहा, रही, रहे, चुका, चुके आदि शब्द नहीं आते हैं. इस काल के वाक्यों से कार्य के समाप्त होने या जारी रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है. इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं. हेल्पिंग वर्ब आई वी के साथ सैल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लिखते हैं. यदि वाक्य में संकल्प, इच्छा, वचन, आदेश आदि प्रकट हो तो आई वी के साथ विल तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल राइट करते हैं. रूल्स एंड एग्जांपल्स. पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड राइट करते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट. मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा. आई शैल रीड दिस बुक टुडे. इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, रीड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस बुक ऑब्जेक्ट है, टुडे अदर वर्ड है. एग्जाम्पल सेकेंड. हम आज क्रिकेट खेलेंगे. वी शैल प्ले द क्रिकेट टुडे. एग्जाम्पल थर्ड. वे तुम्हारी सहायता कल करेंगे. दे विल हेल्प यू टुमारो. एग्जाम्पल फोर्थ. तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे. यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स. एग्जाम्पल फिफ्थ. वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा. ही विल कम हियर फ्रॉम हिज विलेज टुमारो. एग्जाम्पल सिक्स. मैं यह कार्य अवश्य करूँगा. आई विल डू दिस वर्क. एग्जाम्पल सेवंथ. तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा. यू शैल गो विथ मी. रूल्स एंड एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस. यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड राइट करते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट. आज मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा. I shall not go to Delhi today. Example second. हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे. We shall not help you. Example third. वह कल यहाँ नहीं सोएगा. He will not sleep here tomorrow. Example fourth. तुम इस काम को नहीं करोगे. You will not do this work. यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द हो तो subject plus will या shall प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट राइट करते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट. वह नहर में कभी स्नान नहीं करेगी. सी विल नेवर वेद इन द कैनल. एग्जाम्पल सेकेंड. मैं उसे कभी नहीं बुलाऊंगा. आई शैल नेवर कॉल हिम. एग्जाम्पल थर्ड. राधा मुझे कभी पैसे नहीं देगी. राधा विल नेवर गिव मी पैसेज. रूल्स एंड एग्जाम्पल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल उसके बाद सब्जेक्ट तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट. क्या तुम आज क्रिकेट खेलोगे. विल यू प्ले द क्रिकेट टूडे. एग्जाम्पल सेकेंड. क्या वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगी. Will she not obey her parents? Example third. क्या वह स्नान करेगी. Will she bathe? यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो सबसे पहले what, उसके बाद will या shall, उसके बाद subject, उसके बाद main verb की first form, तब object और अंत में other word write करते हैं. Example first. रिंकी क्या खाएगी. What will रिंकी eat? एग्जाम्पल सेकेंड. आप क्या करेंगे. व्हाट विल यू डू.
एग्जाम्पल थर्ड, मीरा उससे क्या कहेगी, व्हाट विल मीरा से टू हिम। यदि सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसे, किसके साथ शब्द आए हों तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले राइट कर लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल राइट करते हैं, तब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम कब आओगी, व्हेन विल यू कम। एग्जाम्पल सेकेंड, सोनू कहाँ जाएगा, वेयर विल सोनू गो। एग्जाम्पल थर्ड, वे कैसे काम करेंगे, हाउ विल दे डू वर्क। एग्जाम्पल फोर्थ, हम उसे क्यों बुलाएंगे, वाई शैल वी कॉल हिम। एग्जाम्पल फिफ्थ, मैं किसको पढ़ाऊंगा, हुम शैल आई टीच। एग्जाम्पल सिक्स्थ, राजू किसके साथ खेलेगा, विथ हुम विल राजू प्ले। यदि सेंटेंस में कौन शब्द आया हो और सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो यानी सकारात्मक हो तो सबसे पहले हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, नदी में कौन तैरेगा, हु विल स्विम इन टू द रिवर। एग्जाम्पल सेकेंड, घंटी कौन बजाएगा, हु विल रिंग द बेल। यदि कौन शब्द वाला वाक्य नकारात्मक हो, सबसे पहले हु, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, उसे कौन नहीं बुलाएगा, हु विल नॉट कॉल हिम। एग्जाम्पल सेकेंड, इस ऑफिस में कौन नहीं काम करेगा, हु विल नॉट डू वर्क इन दिस ऑफिस। यदि सेंटेंस में कितना शब्द आया हो और कर्ता को एड्रेस करता हो यानी सब्जेक्ट को एड्रेस करता हो तो हाउ मैनी के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद विल, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कितने लड़के इतिहास पढ़ेंगे, हाउ मैनी बॉयज़ विल रीड हिस्ट्री। कितनी लड़कियां दूध पिएंगी, हाउ मैनी गर्ल्स विल ड्रिंक मिल्क। यदि सेंटेंस में कितना शब्द आया हो और ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को एड्रेस करता हो तो सबसे पहले हाउ मैनी या हाउ मच राइट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह कितनी रोटी खाएगा, हाउ मैनी ब्रेड्स विल ही ईट। एग्जाम्पल सेकेंड, हम कितना दूध लाएंगे, हाउ मच मिल्क विल सेल वी ब्रिंग। तो इस सेंटेंस में ब्रेड काउंटेबल नाउंस है, इसलिए उसके पहले हाउ मैनी और एग्जाम्पल सेकेंड में मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले हाउ मच राइट करते हैं। यदि सेंटेंस में किसका या किसकी शब्द आया हो और वह सब्जेक्ट यानी कर्ता को एड्रेस करता हो तो सबसे पहले हुज, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, किसका लड़का वहाँ जाएगा, हुज बॉय विल गो देयर। एग्जाम्पल सेकेंड, किसकी माँ दवा नहीं लाएगी, हुज मदर विल नॉट ब्रिंग मेडिसिन। यदि सेंटेंस में किसका या किसकी शब्द ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को एड्रेस करता हो तो सबसे पहले हुज, तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वे किसकी पुस्तक पढ़ाएंगे, हुज बुक विल दे रीड। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं किसकी कमीज पहनूंगा, हुज शर्ट शैल आई पुट ऑन। यदि सेंटेंस में कौन सा शब्द सब्जेक्ट को एड्रेस करता है तो विच प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कौन सा बैल खेत जोतेगा, विच बुल
विल प्लो द फील्ड। एग्जाम्पल सेकेंड, कौन से लड़के फुटबॉल खेलेंगे, विच बॉयस विल प्ले द फुटबॉल। यदि सेंटेंस में कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता हो तो सबसे पहले विच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम कौन सा पेड़ काटोगे, विच ट्री विल यू कट। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं कौन सी स्कूटी चलाऊंगा, विच स्कूटी शैल आई ड्राइव। यदि सेंटेंस में किसमें शब्द आया हो और स्थान को यानी प्लेस को एड्रेस करता हो तो सबसे पहले इन विच, उसके बाद प्लेस का नाम, उसके बाद विल या शैल, तब सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में अदर वर्ड राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वह किस कक्षा में पढ़ेगी, इन विच क्लास विल सी रीड। एग्जाम्पल सेकेंड, हम किस गांव में रहेंगे, इन विच विलेज शैल वी लिव। यदि सेंटेंस में किस तरह से शब्द आया हो तो सबसे पहले इन व्हाट वे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड राइट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वे किस तरह से इस मशीन को चलाएंगे, इन व्हाट वे विल दे रन दिस मशीन। एग्जाम्पल सेकेंड, मैं किस तरह से घर की व्यवस्था करूँगा, इन व्हाट वे शैल आई मैनेज द हाउस।